नमस्कार। मैग्नोलियसी के पार्ट फोर्थ पर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मैग्नोलियसी के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड की हम चर्चा कर चुके हैं। उसमें हमने पूरी मैग्नोलियसी का वर्णन कर चुके हैं। इसमें हम इसकी वर्गीकृत स्थिति, विभिन्न ऑथर के द्वारा इनको कहां रखा गया है, वर्गीकृत स्थिति पर विवेचना कर चुके हैं। इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव करेक्टर्स, रेंज ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, जातिवर्तिता, बंधुता, मैग्नोलियसी फैमिली के विभेदक लक्षण, मैग्नोलियसी फैमिली के प्रिमिटिव करेक्टर्स और इवोल्यूशनरी टेंडेंसी अर्थात विकासीय प्रवृत्तियां, इन सब पर हम डिस्कस इन पिछली तीन पार्ट में कर चुके हैं। आज मैग्नोलियसी फैमिली के अंतिम भाग अर्थात पार्ट फोर्थ में हम चर्चा करेंगे इसके आर्थिक महत्व की और इसमें आने वाले एक महत्वपूर्ण पादप के पुष्प के वर्णन की, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन की। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली में आने वाले जो सामान्य पादप हैं उनकी जानकारी, कॉमन प्लांट्स ऑफ फैमिली मैग्नोलियस। तीन महत्वपूर्ण जो नाम हमें दिखाई दे रहे हैं जो जेनेरा इस फैमिली के अंदर शामिल हैं, मैग्नोलिया, माइकेलिया एंड लिरियोडेंड्रो। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नोलिया स्पीशीज की। मैग्नोलिया की प्रजातियां मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, मैग्नोलिया एकुमिनेटा इत्यादि है। ये कुकुम्बर ट्री है, लार्जेस्ट ट्री ऑफ मैग्नोलियल्स। इट्स ग्रीन फ्रूट्स रिजेंबल्स ए कुकुम्बर वुड, लाइट, सॉफ्ट एंड ड्यूरेबल। ये करैक्टरिस्टिक धारण करेगा मैग्नोलिया, जिसकी वो वुड भी काम आएगी और जो ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। सबसे पहले हम पौधों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा हम देख रहे हैं माइकेलिया स्पीशीज। माइकेलिया की भी बहुत सी प्रजातियां हैं, माइकेलिया चंपा का, ग्रैंडिफ्लोरा इत्यादि। तो माइकेलिया चंपा का बहुत कॉमन है, जिसको हम चंपा कॉमन नाम से जानते हैं। फर्स्ट इज माइकेलिया चंपा का। चंपा ए गार्डन प्लांट कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्लावर विच आर स्वीट सेंटेड यूज इन परफ्यूमरी। माइकेलिया ग्रैंडिफ्लोरा, बड़ी चंपा और हिम चंपा, ए स्मॉल ट्री विथ फ्रेग्नेंट फ्लावर्स। और भी स्पीशीज की बात हम आर्थिक महत्व पढ़ेंगे। तीसरा हम जो महत्वपूर्ण जेनेरा देख रहे हैं, लिरियोडेंड्रोन स्पीशीज, जिसकी भी जातियां हैं लिरियोडेंड्रोन ट्यूलिप फ्लोरा, ए लास्ट ट्री विथ हैंडसम फ्लावर वुड एज ए टिम्बर, इसकी वास्ट कास्ट भी उसमें काम आएगी। तो तीन जेनेरा हमारे सामने है, मैग्नोलिया, माइकेलिया, लिरियोडेंड्रोन, दो बहुत महत्वपूर्ण है, मैग्नोलिया और माइकेलिया। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इस फैमिली का आर्थिक महत्व। इसका जो आर्थिक महत्व है वो मेडिसिनल प्लांट के रूप में है, इससे रंजक डाई प्राप्त हो रही है, इमारती काष्ठ प्राप्त हो रही है और परफ्यूम प्राप्त हो रहा है। परफ्यूम में बहुत महत्वपूर्ण है ये फैमिली और खासतौर से ऑर्नामेंटल पर्पज, ऑर्नामेंटल प्लांट की बात करें। पहली स्लाइड में हम ये देख रहे हैं वो है, सबसे पहले है मेडिसिनल प्लांट, औषधीय पादप। औषधीय पादप में जो हम नाम देख रहे हैं, चंपा का जो पौधा है माइकेलिया चंपा का, जिसका वनस्पतिक नाम है, इसे सामान्य भाषा में चंपा भी कहते हैं। इसकी जो पादप की जड़ें हैं और जो छाल है वो रेचक, इसको अर्थात परगेटिव दस्तावार, औषधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। इस पौधे के पुष्पों का उपयोग कार्बिनेटिव अर्थात पाचक के रूप में तथा कृमिहर के तौर पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुष्पों का उपयोग गोनेरिया रोग के उपचार में भी किया जाता है और चंपा के जो बीज हैं, इसके बीजों से प्राप्त तेल की मालिश करने से गठिया रोग दूर हो जाता है अर्थात रूमेटिज्म, रूमेटिज्म के रिमूव के लिए उसके इलाज के रूप में भी इसके तेल को उपयोग में लेते हैं। तो ये हमने देखा मेडिसिनल उपयोग में। दूसरा हम देखने जा रहे हैं रंजक के रूप में अर्थात डाई के रूप में, वही माइकेलिया चंपा का जिसकी हमने बात अभी पहले करी थी, माइकेलिया चंपा का जिसका के सामान्य नाम चंपा है। इसके पुष्पों से एक विशेष प्रकार का पीला रंग प्राप्त होता है, वो भी इस फैमिली का आर्थिक महत्व में शामिल। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इमारती काष्ठ फर्नीचर में, टिम्बर एंड वुड के रूप में क्या उपयोगिता है फैमिली मैग्नोलियसी की। तो हम कुछ नाम यहां पर देख रहे हैं, पांच नाम। सबसे पहला वही नाम जो हम दो बार में लिया, माइकेलिया चंपा का, जिसको सामान्य भाषा में हम चंपा कह रहे हैं। इसकी
इनके सदस्यों से इमारती लकड़ी अर्थात इमारती काष्ठ प्राप्त होती है, वुड में काम आ रही है। दूसरा हम देख रहे हैं माइकेलिया नीलगिरी का, माइकेलिया की दूसरी स्पीशीज, ये भी टिम्बर या वुड में काम आ रही है। उसके बाद देख रहे हैं माइकेलिया की अगली स्पीशीज माइकेलिया एक्सेलसा, माइकेलिया एक्सेलसा जो है इसकी काष्ठ से वाद्य यंत्र इंस्ट्रूमेंट जो है बक्से खिलौने एवं नाव इत्यादि बनाए जाते हैं इसकी वुड से। उसके बाद हम देख रहे हैं मैग्नोलिया का बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, इसकी जो वुड है टिम्बर वुड है वो भी इमारती काष्ठ के रूप में उपयोग में ली जाती है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा। उसके बाद हम अगला नाम देख रहे हैं लीरियोडेंड्रोन, और लीरियोडेंड्रोन की स्पीशीज लीरियोडेंड्रोन ट्यूलिपी फ्लोरा, इस वृक्ष की जो प्रजाति है, इस वृक्ष की प्रजाति की काष्ठ जो है वो सफेद या हल्के पीले रंग की होती है और ये बहुत लाइट होगी, हल्के पीले रंग के साथ में हल्की और चिकनी होती है, जो विभिन्न कार्यों के लिए उत्कृष्ट किस्म की मानी जाती है, इसको अच्छी फर्नीचर माना जाता है लीरोडेंड्रोन की काष्ठ को, वुड को, लकड़ी को, और इससे फर्नीचर व कैबिनेट तैयार किए जाते हैं इसकी वुड से। तो लीरोडेंड्रोन टिम्बर वुड के रूप में ज्यादा उपयोगी है इस फैमिली में आने वाले मेंबर्स के अंदर। ये हमने उपयोग देखे इसके मेडिसिनल प्लांट के डाई इमारती कास्ट में। अब हम देखने जा रहे हैं परफ्यूम के लिए, परफ्यूम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली, क्योंकि दोनों बहुत सुंदर पौधे इसके अंदर आ रहे हैं ऑर्नामेंटल उगाने वाले, उनके हम नाम ले रहे हैं परफ्यूम। इनके पुष्पों से जो इत्र बनाया जा रहा है परफ्यूम बनाया जा रहा है। सबसे पहले हम देख रहे हैं मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, इसके पुष्प से परफ्यूम बनाया जाएगा सुगंधित सेंटेड। दूसरा हम देख रहे हैं माइकेलिया चंपा का, चंपा का जो पुष्प है वो भी परफ्यूम में उपयोग में लिया जा रहा है, इसका भी परफ्यूम बहुत लोकप्रिय है, उपयोगी है। तो ये परफ्यूम में दो हमने देखा मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा एंड माइकेलिया चंपा। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स, शोभाकारी पौधे, सजावटी पौधे जो घरों में उद्यान में बगीचों में उगाए जाते हैं सजावटी पौधों के रूप में, उनको हम देखने जा रहे हैं। इसमें जो हमने बात की है कि जो फैमिली में जो पौधे आ रहे हैं वो शुभ होंगे या वृक्ष होंगे, हर्ब नहीं है इनके अंदर, तो ऑर्नामेंटल रूप में इनको ट्री को, इनकी झाड़ियों को लगाते हैं, इनके वृक्ष को, इनके शुभ को। सबसे पहले हम देख रहे हैं माइकेलिया चंपा का, जिसको कहते हैं चंपा, चंपा का पेड़ जो हमें गार्डन में बहुतायत से लगा हुआ दिखाई देता है, सुंदर पौधों के लिए जाना जाता है, तो माइकेलिया चंपा का, चंपा का के जो बड़े पुष्प नजर आएंगे। मैग्नोलिया की स्पीशीज हम यहां बहुत सारे देख रहे हैं, जैसे मैग्नोलिया फस्केटा, इसको ऑर्नामेंटल पर्पज से उगाते हैं। मैग्नोलिया पुमिला, ये उगाया जाएगा सुंदरता के लिए। मैग्नोलिया एल्बा, ये कॉमन स्पीशीज है मैग्नोलिया की जो गार्डन में उगाई जाती है, और मोस्ट कॉमन स्पीशीज जो हम देख रहे हैं मैग्नोलिया की, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये कॉमन स्पीशीज है, ये भी गार्डन में उगाई जाती है। मैग्नोलिया एल्बा, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, ये दो कॉमन स्पीशीज है मैग्नोलिया की जो सजावटी रूप में ऑर्नामेंटली बगीचों में उगाई जाती है। और आखिर ये हमें नाम दिखाई दे रहा है छठे नंबर पर, लीरियोडेंड्रोन ट्यूलिपी फ्लोरा, जो एक बड़ा वृक्ष है और ये भी ऑर्नामेंटल रूप से इसको लगाते हैं, इस पेड़ को सुंदरता के लिए ऑर्नामेंटल रूप से बगीचों के अंदर, उद्यान के अंदर, वहां पर इसका उगाते हैं। तो ये हमने जो यहां पर छह नाम देखे हैं ये उपयोगी हैं किस रूप में, ये उपयोगी है ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, जिनको हम सजावटी रूप में उगाते हैं बगीचों के अंदर, उद्यान के अंदर, और बहुत सुंदर पौधे यहां पर इनके नजर आते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अगले में फ्लोरल डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन की, पुष्प वर्णन की, जो प्रैक्टिकल के अंदर भी वर्णन करते हैं पूरी का। तो इस फैमिली में दो महत्वपूर्ण प्लांट हैं मैग्नोलिया और माइकेलिया। मैग्नोलिया की जो स्पीशीज इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है मैग्नोलिया एल्बा, मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा, और माइकेलिया की जो स्पीशीज हमें याद रखनी है वो एक ही माइकेलिया चंपा का, जिसको सामान्य भाषा में हम चंपा कहते हैं। उसका प्लांट डिस्क्रिप्शन, इसके हैबिट, रूट, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, इन सब, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, फ्लावर, फ्रूट कैसे हैं, ये वर्णन हम करने जा रहे हैं जब तक हमने नहीं पढ़ा है, और ये उपलब्ध भी नहीं होता है कई बार लिटरेचर के रूप में हमारी किताबों के अंदर, इसलिए हम इसका पूरा वर्णन यहां पर करने देख रहे हैं। सबसे पहले हम चित्र तो यहां पर देख ही रहे हैं माइकेलिया चंपा का, जो हम पहले भी देख चुके हैं प्लांट डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पादप स्वभाव, आवास और स्वभाव की, हैबिट एंड हैबिटेट कैसा है ये। ए टोल ग्रेसफुल एवरग्रीन ट्री विद डार्क ग्रे बार्क, इट इज कल्टिवेटेड
फ्लावरिंग मेनली ड्यूरिंग अप्रैल से अप्रैल टू जून, इसमें जो फ्लावरिंग टाइम है अप्रैल से जून होगा, और एवरग्रीन ट्री है, सुंदर दिखता है और ऑर्नामेंटल रूप से उनको बगीचों में लगाते हैं। कैसी रूट है इसकी? टेप रूट एंड ब्रास्ट, मूसलाकार जड़े और शाखित जड़ इनके अंदर पाई जाएगी। उसके बाद इसका जो तना है स्टेम है वो है एरियल अर्थात वाइवी है, इरेक्ट ऊर्ध्व है, ब्रांच्ड अर्थात शाखित है, कास्टी है वुडी और सॉलिड अर्थात ये ठोस है। ये इस प्रकार का तना, क्योंकि ये पेड़ है ट्री है, इस प्रकार का तना इनके अंदर होगा। किस प्रकार की इनकी पत्तियां हैं? बड़ी आकर्षक पत्तियां इनकी पत्तियां भी। लीफ इनकी कैसी है? रेमल अर्थात शाखीय, अल्टरनेट एकांतरित है, स्टिपुलेट अनुपर्णीय, स्टिपुस कॉन्वोलेट, पिटियोलेट सवरंत है, सरल है सिंपल, ओवेट अंडाकार है या ओवेट लेंसियोलेट है, एंटायर पूर्ण है विद एक्यूट एपेक्स, कोरेसियस अर्थात चर्मिल है, मोटी पत्तियां हैं इसलिए अपने काय को कोरेसियस चर्मिल कोरेसियस, ग्लेबरस रोमिल है, डार्क ग्रीन और गहरे गहरे हरे कलर की है और रेटिकुलेट यूनिकोट पेट वेनेशन है। एक श्रीय जालिका व शिरा विन्यास जो द्विबीज पत्र में होता है वो इसमें दिखाई देगा, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन। ये हमने बात करी है इसके वेजिटेटिव करेक्टर्स की, प्लांट हैबिट की, रूट की, स्टेम की, लीफ की। अब हम फ्लोरल करेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पुष्पक्रम, पुष्पक्रम जो मैंने जाना है क्लस्टर्स ऑफ एक्सिलरी फ्लावर्स, जो एकल पुष्प है उनका एक गुच्छा क्लस्टर हमें यहां पे नजर आ रहा है। पुष्प पुष्प कैसे हैं? सहपत्री, ब्रैक्टिएट, पेडिसिलेट अर्थात सवरंते हैं, पेडिकल शॉर्ट छोटा है, ई ब्रैक्टियोलेट सहपत्रिकाएं नहीं है, कंप्लीट अर्थात पूर्ण है, रेगुलर मतलब नियमित है और एक्टिनोमॉर्फिक मतलब त्रिज्या सममित है, जिसको हमने प्रिमिटिव करेक्टर में बात की थी कि इनका जो पुष्प है वो त्रिज्या सममित है, एक्टिनोमॉर्फिक है। अब इनकी कुछ प्रजातियों में पेरियंत के रूप में होगा, कुछ में ये बायदल और दल में भी विभक्त हो सकता है। सबसे पहले हम बात करें पेरियंत में, यूजली 9 टेपल्स, सामान्यतया 9 संख्या है परिजनों की और वो 3 चक्र में 3 हुरल्स ऑफ 3 प्लस 3 प्लस 3 होंगे, आइदर ऑल ऑफ द 3 हुरल्स पेटलोइड और समटाइम्स द आउटर मोस्ट ऑफ 3 टेपल्स बिकम सेपेलोइड देन कैलेक्स एंड कोरोलाइट डिस्टर्ब्स एडेंडर। अब कैलेक्स और कोरोला की बात करें, अगर उसमें विन्नित हैं तो किस प्रकार की अवस्था होगी? होंगे 3+3+3 पेरिंग। अब कैलेक्स और कोरोला में अगर है तो क्या होगा? कैलेक्स बाह्यदल पुंज की बात कर रहे हैं, पहले संख्या कितनी है 3 सेपल्स, 3 मुक्त हैं फ्री, ग्रीश वाल्वेट विन्यास इनका वाल्वेट है। उसके बाद हम बात करते हैं दलपुंज की, कोरोला की, इनकी संख्या है 6 3+3 इन टू रस ऑफ 3 इच 3+3 लिखेंगे, ये भी फ्री है मुक्त है। दूज ऑफ द आउटर वोरस वाल्वेट वेर इज दोज ऑफ द इनर वोरस नेरो एंड ट्विस्टेड, वो ट्विस्टेड होंगे, पेल येलो कलर के हैं, फ्रेगमेंट और इन्फीरियर है, सुगंधित है, खुशबूदार है। तो अगर ये कैलेक्स और कोरोला में है तो अपने बात करिए 3 है और दलपुंज कितने 3+3 है, कुल मिला के बात हुई 9 हुए। अगर हम पेरियंत के रूप में लिखेंगे 3+3+3 और कैलेक्स कोरोला में बांटेंगे तो लिखेंगे K3 और दलपुंज की बात करेंगे तो 3+3। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट की। सबसे पहले पुमंग पुंकेसर इंड्रोशियम, इनकी संख्या हम चित्र में देख रहे हैं अनंत है, असंख्य इंडेफिनेट पृथक है, पोलियंड्रस सर्पिलाकार विन्यसित है, स्पाइरली अरेंज डिस्टिंग्विश्ड इनटू फिलामेंट कनेक्टिव एंड एंथरलो, इन विभिन्नित है पुतंतु में कनेक्टिव में पराकोष, द्विकोष्ठीय है अर्थात डाइथिकस बेसिफिक्स्ड है, डिसेंस लॉन्जिट्यूडनली इनका होगा डिसेंस होगा और एक्सट्रोस अर्थात बहिर्मुखी है। ये चित्र में भी हम देख रहे हैं बहुत सारे पुंकेसर हैं स्पायरली अरेंज हमें यहां पर वो नजर आ रहे हैं जमे हुए। अब हम देखने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम की, जायांग की, वो बहुअंडपीय अर्थात पॉलीकार्पल्लरी, एपोकार्पस है अर्थात वियुक्तांडपीय, कोष्ठक में बंद नहीं करेंगे हम, खुला रखेंगे, एपोकार्पस है
व्युक्तांड भी अर्थात पृथकांड भी है। अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर, फ्लावर को हमने बताया था हाइपोगाइनस, इनका जो अंडाशय है वो है अधो ऊर्ध्ववर्ती सुपीरियर। स्पाइरली अरेंज्ड ऑन ए कोन लाइक एंड इलोंगेटेड थैलेमस, वो हमने पहले बात की, इस तरह के लंबे टोरस पे एक थैलेमस पे जमे होंगे, स्पाइरली अरेंज्ड होंगे कार्पल्स बीजांड। इच कार्पल विद ए स्लोवन ओवरी, उसके बाद कर्व्ड स्टाइल एंड बीक्ड सिंपल स्टिग्मा, स्टाइल और स्टिग्मा इस प्रकार की होगी, कर्व्ड स्टाइल एंड बीक्ड एंड सिंपल स्टिग्मा। तो ये हमने बात की इस प्रकार का जायांग पाया जाएगा। उसके बाद फल किस प्रकार के हैं वो भी चित्र में दिखाई दे रहे हैं, निटेरियो फोलिकस, फोलिकुलों का पुंज एक समूह है, डार्क कलर्ड विथ व्हाइट स्पिक्स। उसके बाद जो बीज है इनके, माइकेलिया चंपाका में जो फल में जो बीज बनेंगे वो बड़े हैं, लार्ज, एंडोस्पर्मिक हैं और एंडोस्पर्म कॉपियस, एम्ब्रो स्मॉल, सूक्ष्म भ्रूण इनके अंदर होगा। इनका जो परागण है, प्रकीर्णन है, वो कीट परागण होगा, भ्रंगो द्वारा, कैंसरफिलस होगा, एंटोमोफिलस अर्थात कीट परागण इनमें पाया जाएगा, क्योंकि जो पुष्प हैं वो बड़े हैं, आकर्षक हैं और वो कीटों को आकर्षित करते हैं, तो उस प्रकार से परागण होगा कीट परागण द्वारा। ये वर्णन हमने देखा माइकेलिया चंपाका का, क्योंकि किसी भी एक फ्लावर का हमें देखना था जो इंपॉर्टेंट है, और ये लिटरेचर हमें मिलता नहीं है, इसलिए हमने पूरा प्लांट डिस्क्रिप्शन लिया है माइकेलिया चंपाका। जो पुष्प सूत्र है उसमें द्विलिंगी है, एक्टिनोमॉर्फिक होंगे और इनकी जो संख्या है परिदलों की वो 3+3+3 के रूप में होंगे, असंख्य पुंकेसर हैं खुले हुए होंगे, असंख्य अंडप हैं खुले हुए होंगे और ऊर्ध्ववर्ती अर्थात जो सुपीरियर ओवरी इनके अंदर पाए जाएंगे। तो हमने माइकेलिया चंपाका को एक पूरे वर्णन के रूप में यहां पर लिया। आज हमने कंप्लीट फैमिली कर ली है मैग्नोलियासी, और चार पार्ट के अंदर बांटकर हमने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस किया है इसका। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैमिली है, कुले जो प्रिमिटिव फैमिली है और परीक्षा में पूछी जाती है। इसकी विकासीय प्रवृत्तियां, इसके किसी फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला और इसका कंप्लीट वर्णन। धन्यवाद।